Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics students. Aaj hum discuss karenge chapter number 16 alternating current. Topic hai ji electromagnetic waves, EM waves. EM waves kya hoti hain, theek hai ji? Kya inhe medium required hota hai ya medium required nahi hota? Ye kis speed se travel karti hain? Theek, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या है, इनकी ट्रांसमिशन क्या है, इनकी रिसेप्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, ये सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। देखें स्टूडेंट, सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से ही आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन के ऐसी वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व हो और मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व हो। ठीक, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक डिफरेंस है मैकेनिकल वेव्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस, उसमें वाटर जो है वो मीडियम होता है। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ तो जो साउंड वेव्स आप सुन रहे हैं, ये साउंड वेव्स एयर के थ्रू आ रही हैं, एयर जो है वो मीडियम है। तो ये सारी वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ये क्या है जी? मैकेनिकल वेव्स, द वेव्स इन विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, जिनमें मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है जी, हमें कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। लाइक रेडियो वेव्स, गैमा रेस, एक्सरे, ठीक है जी, अल्ट्रा वायलेट रेस, तो द वेव्स इन विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है? देखिए, मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी, लेट्स से ये अलोंग वाई एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से अलोंग जेड एक्सिस है, और इनकी जो प्रोपिगेशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स विद स्पीड ऑफ लाइट। क्यों करती हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो देखें, नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। ट्रांसफर इन नेचर का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो पार्टिकल है मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव। वेव जो है वो आगे जाना चाह रही है, पार्टिकल जो है वो उसके परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ट्रांसफर हैं नेचर में। ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रांसफर वेव हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आप मार्क कर लें। फर्दर स्टूडेंट, ये कुछ हिस्ट्री है हमारे पास जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस की, ठीक है जी। 1820 में आप जानते हैं कि ऑर्स्टेड जो है, ठीक है जी, प्रोफेसर हैंस ऑर्स्टेड, इन्होंने बताया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मींस कि जहां पर वेरिंग करंट होगा, करंट में चेंज आएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली 11 साल बाद एक साइंटिस्ट था माइकल फ्राडे, ठीक है जी, इसने इसका जो हमारे पास वाइस वर्सा प्रोसेस था वो बताया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो 1864 में स्टूडेंट एक साइंटिस्ट था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है जी, मैक्सवेल का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है फिजिक्स के बारे में और इसकी इक्वेशंस बड़ी मशहूर हैं, 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन जो उसने दी। ठीक, ये आपका स्टडी वाइस, ठीक है जी, जो पोर्शन है वो एफएससी लेवल पर एक्सक्लूडेड है। तो ये लाजमी नहीं है कि आप पेपर में लिखें या ऐसे याद करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन है कितनी है, 4। पहली है गॉज़ लॉ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास है
डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसे हम गाजेस लॉ कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इधर है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये बताती है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट को अगर तोड़ दिया जाए तो उसका सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये है फ्राडे लॉ जो बताती है कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोजिशन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस टाइम डेट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये है जी एम्पेयर्स लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। अब ये मॉडिफाइड क्यों है, सारा आप हायर लेवल से पढ़ेंगे, फिलहाल ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, जस्ट मैंने इसलिए लिखी है कि आपको रिलेशन पता चले वो आया कैसे इन इक्वेशंस की मदद से। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे कर लिए डी ओवर कर लिए टी, जे करंट डेंसिटी है, डी डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है जी। और ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो मैक्सवेल ने इन इक्वेशन की मदद से एक रिलेशन ड्राइव किया स्पीड ऑफ लाइट का, जो आप देख रहे हैं c इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू आपको पता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। और सेकंड कौन सा है जी म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4π मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पीयर पर मीटर, ओके जी। तो ये इन कांस्टेंट की जब आप वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो स्टूडेंट जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, ठीक। तो और आप इस डायग्राम में देखें कि ये इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स ट्रेवल करती हैं। अब ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जनरेशन क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एमसीक्यू से रिलेटेड आपने इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हैं ये ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90, ठीक है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें प्रोपिगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेट कैसे करती हैं, देखिए सिंपल है, राइट हैंड रूल, अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। कहाँ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। ये अब ये ज़रा डायरेक्शन देखें, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ कहीं पर हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है जी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर दूँ, ठीक है। अब देखें मैंने फिंगर्स को कर्ल करना है ई से बी की तरफ, ई से बी, ये ई है ये बी है, ये प्रोपिगेशन ऑफ वेव। देखें ई से बी की तरफ अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब पॉइंट आउट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ई क्रॉस बी जो है इससे हमें किसकी डायरेक्शन मिलती है, प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि ई क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, ठीक। ऑर्थोगोनल मीन के 90 डिग्री, और ये इन द फॉर्म ऑफ प्लेन ट्रेवल करती हैं विथ स्पीड ऑफ लाइट सी। तो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी, इसको आप ऐसे सबसे पहले तो ये लाइंस ड्रा कर लें, ठीक है जी। गामा रे से रेडियो वेव्स तक जो आपके पास एनर्जी और फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, गामा की सबसे हाई है, रेडियो की सबसे लो है, बट वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, गामा की वेवलेंथ सबसे कम और रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा ये जो हमारे पास 7 रे स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास टाइप्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। गामा रेस जो है ये अक्सर हमारे पास ईईजी में यूज़ होती है, ब्रेन से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं, ठीक है जी, उसमें अक्सर हम गामा रेस जो है जी वो यूज़ करते हैं। एक्सरे हमने देखा कि क्रिस्टल की आइडेंटिफिकेशन के लिए XRD, एक्सरे डायफ्रेक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है जी, बोन्स कोई फ्रैक्चर हो जाती हैं तो हमें एक्सरे की हेल्प मिलती है। अल्ट्रा वायलेट रेस, हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती हैं, अरिथमा की काज बन सकती है, ठीक है जी। विजिबल रे ये जो लाइट आ रही है बोर्ड पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है जी, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, ठीक है जी। नैनो प्रीफिक्सेस है 10 टू द पावर माइनस 9,
तो ये सारी क्या है जी, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, ठीक है जी, जो अक्सर हम एसी का रिमोट है लाइक, ठीक है जी, कोई भी रिमोट है तो उससे कौन सी रेस जो है इमिट होती हैं, इंफ्रारेड रेस होती हैं। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन में जब हम अपनी फूड को जो है जी, खाना जो हम अपनी खुराक गर्म करते हैं, ठीक, सिमिलरली रेडियो वेव्स लाइक एफएम के लिए, या जो हमारे सेल फोन में जो सिग्नल्स वगैरह आ रहे होते हैं उनमें भी सैटेलाइट्स के थ्रू रेडियो वेव्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, गामा रेस जो हैं इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बट इनकी वेवलेंथ सबसे कम है। बट जू जू हम गामा से बॉटम की तरफ जाते रहेंगे टूवर्ड्स द रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी है वो सबसे कम है, बट इनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप इस तरह एरोस से अपनी बुक पर मार्क कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास था जी स्पेक्ट्रम, और ये रिलेशन आप जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है जी, और इसे हम वेविकेशन भी कहते हैं, ठीक। वेविकेशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो देखें c तो स्पीड ऑफ लाइट है कॉन्स्टेंट, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, इट्स मीन के फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और हम चैप्टर 19 में एक और रिलेशन डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास e इज इक्वल टू एच एफ, प्लैंक्स इक्वेशन। इसके मुताबिक जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो ये आप सारा का सारा मार्क कर लें, ठीक है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज इस रेस्ट पे हो, चार्ज मोशन में नहीं है, चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज जो है वो नहीं आ रहा होता। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ही नहीं आता तो मैक्सवेल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो अब तक हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ही नहीं आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी तो इसमें चेंज कैसे आएगा। तो हमें चार्जेस एट रेस्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो नहीं मिलेंगी, बट चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मींस के करंट है बट वो यूनिफॉर्म करंट है या स्टेडी करंट है, ठीक, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने तो कहा कि मूविंग चार्जेस और ऑसिलेटिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब देखें मूविंग चार्जेस जो हैं, मूविंग चार्जेस में करंट जो है वो तो लाजमी होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब चार्ज मूव कर रहे हैं, करंट में भी चेंज आ रहा है, करंट में चेंज आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिपीटेड प्रोसेस हमारे पास प्रोपिगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ऑर्थोगोनल करती रहेंगी। तो यस, हमें मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी, रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट जो चेंज आ रहा है वो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो फाइनली मिलेंगी, ठीक है जी। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स जैसा कि हमने देखी, ठीक है जी, स्पेक्ट्रम में भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, कॉस्मिक रेज जो सन से आती हैं, सैटेलाइट सिग्नल्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है जी, रेडियो वेव्स हैं, और आपकी बुक में स्टूडेंट की एक डायग्राम भी बनी हुई है। अब बुक में वो कहता है कि हम एक आपके पास लार्ज सिलेंडर है, एक स्मॉल सिलेंडर है, ठीक, और हम इस स्मॉल सिलेंडर में मूविंग चार्जेस जो हैं उनको क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो कहता है कि जब चार्ज मूव कर रहे हैं तो इस ये जो सिलेंडर है, स्मॉल सिलेंडर ए बी रीजन, यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और हमने पढ़ा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में
चेंज आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और कहता है कि ये जो हमारे पास लास्ट सिलेंडर है सिलेंडर डी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रही है। तो मूविंग चार्जेस की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो हमें क्या मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास एक एसी सोर्स होता है, ठीक है जी, और ये दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है जी, कॉइल्स लगी हुई हैं जो मैग्नेटिकली लिंक हैं, जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर, ठीक है जी, और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, एंटीना कंडक्टर है, इसका मतलब कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब होता क्या है, देखें एसी सोर्स जो है, आपको पता है कि एसी जो है ये अपनी पोलैरिटी को क्या करता है, हाफ साइकिल के बाद चेंज, पहले जो था पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब इनिशियली क्या होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है जी, करंट ऐसे ऑसिलेट करेगा। फिर हाफ साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होगी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब करंट की ये डायरेक्शन। तो चेंजिंग करंट की वजह से, ठीक है जी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास एक तो प्रोड्यूस होगी, और चार्जेस जो है वो ऑसिलेट करेंगे। इंडक्टर जो है ये एनर्जी स्टोर करता है, चार्जेस इसमें जो है वो मूविंग चार्जेस होंगे। मूविंग चार्जेस की वजह से हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोनों फील्ड्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, ठीक है जी, जो स्पीड ऑफ लाइट से हमने पढ़ा ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास रिसेप्शन, रिसीव कैसे करते हैं। देखें रिसेप्शन के लिए हमारे पास LC ऑसिलेटर है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर जिसे हम कहते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने LC ऑसिलेटर को डिटेल में डिस्कस किया, और हम अभी भी देखते हैं कि ये क्या होता है। देखें एक हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है जिसे हमने पैरल में कनेक्ट किया हुआ है, LC पैरल सर्किट या LC ऑसिलेटर जिसे हम कहते हैं। कैपेसिटर जो है इसको हम एक्सटर्नल सर्किट या बैटरी से चार्ज कर लेते हैं। अब कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो गया, इस पर चार्ज आ गया जी पॉजिटिव क्यू, लेट से इस पर आ गया नेगेटिव क्यू। अब कैपेसिटर ने होना है डिस्चार्ज, जब ये डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर को तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, चार्ज मूव करेंगे तो इंडक्टर जो है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, इंडक्टर क्या हो रहा है, चार्ज। जब इंडक्टर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया, तो इस प्लेट पे अब इंडक्टर जो है यहाँ से क्या लाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इट्स मीन के चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा, जब कैपेसिटर चार्ज था इंडक्टर डिस्चार्ज था, जब इंडक्टर चार्ज था कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज था, तो चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा जस्ट लाइक अ मैच स्प्रिंग सिस्टम, तो इसलिए हम इसे कहते हैं LC ऑसिलेटर। और अगर ये हमारी फ्रिक्वेंसी जो है ऑसिलेशन की, जिसे हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं LC सर्किट की, मैच कर जाए ये इन फ्रिक्वेंसी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है जी, लेट से अगर ये 50 हर्ट्ज थी और ये भी 50 हर्ट्ज है, तो रेजोनेंस की कंडीशन प्रोड्यूस होगी और हमें सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स अक्सर पुराना जो वक्त था, तब तो बकायदा FM होते थे, ठीक है जी, FM का मीनिंग क्या है, फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन, ये सारा हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो FM है, ठीक है, इनकी हम फ्रिक्वेंसी रेंज कैसे सिलेक्ट करते थे, ये है वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है, इसकी हम वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। आपने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का रिलेशन पढ़ा, F इज इक्वल टू 1/2π√LC, तो इसकी मदद से हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और जब वो हमारे रिक्वायर्ड स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो हमें जो है वो साउंड आना शुरू हो जाएगा, हम रेडियो का नॉब जो है वो टर्न करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 88 जो है वो काफ़ी दूर है, हमें उसकी जो नॉइस जो है वो जनरेट हो रही है, हमें उसकी कोई इतनी ख़ास समझ
नहीं आ रही, बस सा हमें सुनाई दे रहा है। बट हमारी जो फ्रिक्वेंसी है लेट्स से वो 102 है, तो 102 वाला जो स्टेशन है वो फौरी इसके साथ मैच कर जाएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी है बराबर होंगी, रेजोनेंस का प्रोसेस होगा और वो जो पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन है वहाँ से हमें सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाएंगे। तो ये हमारा जी टॉपिक था आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अगर स्टिल आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।